Good morning, students. I am Anita Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of BE Fifth Sem Computer Science Branch. आज हम डिस्कस करेंगे AWK के बिल्टिंग फंक्शंस के बारे में, जिसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. हमने लास्ट क्लास में तीन स्ट्रिंग फंक्शन देखी थी, तीन बिल्टिंग फंक्शंस देखी थी, जिसमें फर्स्ट था हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, सेकंड था हमारा सब स्ट्रिंग, और हमने देखा था इंडेक्स. ये तीन के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब आज के इस क्लास में जो हमारे बचे हुए जो हमारे बिल्टिंग फंक्शन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शन है, जो हमारे AWK में यूज होते हैं, उन मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे जो फोर्थ हमारा जो फंक्शन है, बिल्टिंग फंक्शन है, वो स्प्लिट है हमारा. स्प्लिट किस लिए यूज होता है? स्प्लिट जो हमारा फंक्शन है वो यूज होता है हमारा टू फॉर्मेट में यूज होता है. फर्स्ट हमारा है स्प्लिट जो है हमारा स्ट्रिंग एरे, और सेकंड हमारा जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है स्प्लिट स्ट्रिंग एरे एंड फील्ड ऑपरेटर. ठीक है, तो ये दो तरीके से हम स्प्लिट को यूज कर सकते हैं. स्प्लिट क्या करता है? एक किसी फाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज होता है. ठीक है, स्प्लिट जो है हमारा किसी भी एक फाइल को यदि हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमारा स्प्लिट फंक्शन यूज होता है. ठीक है, फर्स्ट इन द फर्स्ट फॉर्मेट द स्ट्रिंग इज कॉपी टू एन एरे. जो हमारा ये जो पहला वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में क्या होगा हमारा कि जो स्ट्रिंग है वो कॉपीड हो जाएगा एरे में. ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, ये जो है हमारा जो सेकंड फॉर्मेट है स्ट्रिंग एरे एंड फील्ड सेपरेटर, इससे इस फॉर्मेट से क्या होगा, द फील्ड सेपरेटर इज स्पेसिफाइड एज द थर्ड पैरामीटर. ठीक है, फील्ड सेपरेटर जो है हमारे थर्ड पैरामीटर से स्पेसिफाइड हो जाएगा सेकंड फॉर्मेट में. तो ये हमारे पास दो टाइप के फॉर्मेट है स्प्लिट फंक्शन को यूज करने के लिए. अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे आप देखिए, हमने एक फाइल को कॉल किया हुआ है डेटा फाइल वन में, उसके जो भी रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं. 101 अनन्या सार, 55, 66, 70 and 75, ये उसके अंदर जो भी डिटेल्स थी, रिकॉर्ड्स थी, वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो गई है. अब आप आगे देखिए कि जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं. स्प्लिट फंक्शन में जितने भी नेम्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ही नाम है यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो, बट हमने डॉलर जीरो जो यूज किया हुआ है, डॉलर जीरो को यूज करके यहाँ पे हमारे जितने भी नेम है वो उनको क्या करेगा, यूज करेगा. यहाँ पे आप देखिए जो नेम है वो सेकंड फील्ड में है. ये जो आपका नेम है वो आपके सेकंड फील्ड में है, तो सेकंड फील्ड में जो नेम है वो उसको ले रहा है, देन नेम को जो है वो ले रहा है, देन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट नेम. नेम को वो दो पार्ट में तोड़ रहा है, जो फर्स्ट है आपका नेम एंड सेकेंड है आपका लास्ट नेम. ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वो नेम को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट नेम प्रिंट होगा एंड लास्ट नेम आपका प्रिंट होगा. तो अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप आउटपुट करेंगे, आउटपुट में आप जब कॉल करेंगे AWK एप स्प्लिट करके, तो आपका जो नेम है अनन्या सार, वो आपका लास्ट नेम सार और फर्स्ट नेम अनन्या. ठीक है, ये आपका पहले नेम प्रिंट हुआ, जो आपका नेम था अनन्या सार, देन उसका लास्ट नेम क्या है सार और फर्स्ट नेम क्या है अनन्या. तो ये क्या हुआ, आपका स्प्लिट हुआ. मीन्स आपका जो एक नाम है, नाम दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में. तो जो हमारा स्प्लिट कमांड है, ये ऐसे ही फाइल या किसी भी रिकॉर्ड या किसी भी चीज को दो पार्ट में या ज्यादा पार्ट में रिवाइज करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये हमारा था स्प्लिट कमांड. अब हम नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है बिल्टिंग फंक्शन, वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट बिल्टिंग कमांड है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन है.
सब्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें तो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है वह फंक्शन टू सब्स्टिट्यूट वन स्ट्रिंग वैल्यू फॉर अनदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना मींस एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में सब्स्टिट्यूट करना। इस चीज के लिए हम जो है सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम टू सब्स्टिट्यूट वन स्ट्रिंग वैल्यू फॉर अनदर। एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। इस स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन फंक्शन इज सब, ठीक है, इसके जो स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है हम इसे सबसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप इसके सिंटेक्स के बारे में देखिए। सिंटेक्स में है आपका सब, जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है, देन आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, देन आपका रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग एंड देन आपका इंट स्ट्रिंग। ये आपके किस लिए यूज हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन फंक्शन रिटर्न वंस मीन, सब्स्टिट्यूशन फंक्शन यदि रिटर्न वन करेगा मीन्स उसका मतलब वो ट्रू रहेगा। यदि सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहा तभी वो रन वन रिटर्न करेगा, जिसका मतलब क्या है? ट्रू है, मीन्स जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल है। देन यदि वो जीरो कब रिटर्न करेगा? इफ द टारगेट स्ट्रिंग इज कुड नॉट फाउंड, यदि जो हमारा स्ट्रिंग फाउंड, जैसे आप एक स्ट्रिंग फाउंड कराना चाह रहे हैं, यदि वो सक्सेसफुली फाइंड हो जाता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वन वैल्यू रिटर्न करेगा। और यदि सब स्ट्रिंग जो है हमारा वो फाइंड नहीं होता है तो उस केस में वो जीरो और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, डॉलर कैट डेटा नेम से हम एक फाइल ले रहे हैं, उस फाइल में हमारे तीन जो यहाँ पे फील्ड्स है, तीन लाइंस है। ठीक है, तो इन तीन लाइंस में हम क्या कर रहे हैं? कैट सब स्ट्रिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो सब है हमारा उसको हम जावा यूनिक्स और डॉलर में हम जावा और यूनिक्स को क्या कर रहे हैं? फाउंड करवा रहे हैं। ठीक है, जावा और यूनिक्स को हम फाउंड करवा रहे हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यदि आप समझेंगे तो जो आपका जावा है, मीन्स यहाँ पे जो आपका जावा है, इस जावा को हम यूनिक्स से क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं, मीन्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जावा को हम क्या कर रहे हैं? यूनिक्स से चेंज कर दे रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमारा क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है। यदि यहाँ पे फाइंड होता है कहीं पे भी जावा, मीन्स यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स है, यदि और रिकॉर्ड्स रहेंगे जहाँ पे भी जावा फाउंड होगा वहां पे क्या होगा? हमारा जावा चेंज होके यूनिक्स हो जाएगा। और यदि वो फाउंड नहीं होता है तो नॉट फाउंड या नो रिकॉर्ड समथिंग लाइक वैसा शो हो जाएगा। और यदि है हमारा फाइल में कहीं भी जावा तो वो क्या होगा? यूनिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम आउटपुट में फाइल नेम को कॉल करेंगे, हम जब आउटपुट में फाइल नेम को कॉल करेंगे awk, देन हमारा सब स्ट्रिंग, देन डेटा फाइल नेम, तो आप देखिए कि सेकंड क्या है? चेतन चाहत भावानी, और वो क्या हो गया? यूनिक्स से चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड है चाहत भावानी, वो वहां पे जावा लिखा हुआ था और ये जो जावा है वो किसमें चेंज हो गया? यूनिक्स में चेंज हो गया। तो इस चीज के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है वो है हमारा मैच फंक्शन। मैच फंक्शन हमारा जो मैच स्ट्रिंग यूज होता है रिटर्न, क्या ये रिटर्न करता है? रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द मैचिंग एक्सप्रेशन इन द लाइन। ये क्या रिटर्न करता है? स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द मैचिंग एक्सप्रेशन इन अ लाइन। इफ देयर इज नो मैचिंग स्ट्रिंग इट रिटर्न जीरो, यदि मैचिंग स्ट्रिंग्स नहीं रहेंगे, ठीक है, इन केस वहां पे मैचिंग स्ट्रिंग्स नहीं रहते हैं उस केस में वो जीरो रिटर्न करेगा। और यदि एक्सप्रेशन मैच हो जाते हैं तो वो उस लाइन को रिटर्न करेगा। यहाँ पे आपके पास देयर आर टू सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास दो सिस्टम वेरिएबल भी है मैच करने के लिए। ठीक है, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आर स्टार क्या करता है? स्ट्रिंग की पोजीशन को होल्ड करके रखता है, और आर लेंथ, ये लेंथ जो भी मैचिंग टेक्स्ट की स्ट्रिंग है उसके लेंथ को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो मैच फंक्शन क्या करता है कि हमारे स्ट्रिंग के पोजीशंस को मैच करने के लिए यूज होता है। यदि मैच होता है
तो वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, और यदि मैच नहीं होता है तो वो क्या करता है, जीरो रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे दो हमारे सिस्टम वेरिएबल्स है, एक है आर स्टार्ट, एक है आर लेंथ। आर स्टार्ट क्या करता है, हमारे स्टार्टिंग पोजीशन को होल्ड करके रखता है, और जो आर लेंथ है वो मैचिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल सिंटेक्स और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंटेक्स की यदि हम बात करें, यहाँ पे आप देखिए सिंटेक्स है आपका मैच स्ट्रिंग और आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। माने मैच है आपका स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है। अब क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को मैच करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखिए स्ट्रिंग को मैच कर रहा है, जो भी आपकी फाइल है पूरे फाइल में वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को मैच करेगा। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए प्रिंट एनआर, देन आपका सेकंड डॉलर टू स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका आर स्टार्ट, क्या करेगा, लेंथ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन की लेंथ को वो होल्ड करके रखेगा, देन आपका आर लेंथ है, ठीक है। तो आपका आउटपुट देखिए, तो आउटपुट आपका शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए अनन्या सार, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका 8, लेंथ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका 3, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स 8 है और लेंथ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या है, यहाँ पे 3 है। देन अब यहाँ पे आप देखिए कि सारी सानिका सार लिखा हुआ है, सानिका सार का भी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 8 है, और उसका भी जो लेंथ है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो 3 है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे थे, कि एक पूरे फाइल में हम मैच करा रहे थे सार को, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स मीन सार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, और जो जो लेंथ है सार की वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरे फाइल में आपको दो सार पहले ही मिल रहे हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग इंडेक्स दोनों ही की 8 आ रही है, और जो उसका लेंथ है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो आपका 3 है, ठीक है। देन इसके बाद आपका है टू अपर एंड टू लोअर। टू अपर फंक्शन कन्वर्ट्स लोअर केस लेटर टू अ स्ट्रिंग टू देयर अपर केस वैल्यू, एनी नॉन लेयर नॉन लोअर केस लेटर्स आर अनचेंज्ड, ठीक है। टू अपर और टू लोअर जो हमारा यूज होता है वो क्या होता है, कि हमारे जो लेटर्स है उसे चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यदि हमें लेटर्स को यूज कर चेंज करना है, ठीक है। टू अपर फंक्शन कन्वर्ट लोअर केस कैरेक्टर इनटू अ स्ट्रिंग टू देयर अपर केस वैल्यू, मींस टू अपर क्या करेगा, लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और सिमिलरली क्या होगा, जो टू लोअर फंक्शन है वो अपर केस के कैरेक्टर को लोअर केस कैरेक्टर में चेंज करेगा, मींस दोनों ही क्या करेंगे, यदि लोअर है तो अपर में चेंज करेंगे और अपर है तो लोअर में चेंज करेंगे। तो यही काम है टू अपर एंड टू लोअर का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स आपका क्या है, टू अपर स्ट्रिंग एंड टू लोअर स्ट्रिंग। अब आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अपर एंड प्रिंट कर रहा है टू अपर डॉलर टू एंड टू लोअर डॉलर टू। अब हम जब यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए जो अपर लेटर्स है वो लोअर में चेंज हो जा रहे हैं, और जो लोअर लेटर है वो क्या हो जा रहा है, अपर में चेंज हो रहा है। तो ये फाइल्स को जब अपर और लोअर में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, हम यहाँ पे फाइल्स को चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमारा जो है टू अपर एंड टू लोअर यूज होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, जो हमारे फाइल में जो मैथमेटिकल फंक्शन है, AW के प्रोग्रामिंग में कुछ मैथमेटिकल हमारे फंक्शंस है, उन फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 9 फंक्शंस है मैथमेटिकल फंक्शन जो कि हमारे यूज होते हैं। सबसे पहले हमारा इंट है, इंट जो है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए मीन्स जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यू है उसे इंटीजर में चेंज करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू है, हम उसे चेंज कर रहे हैं तो वो सिर्फ राउंड फिगर लेके 50 आ रहा है। देन हमारा है आर ए एन डी।
RAND जो है हमारे रैंडम नंबर के सीरीज को रेंज करता है 0 से 1 में, ठीक है। तो जैसे हम प्रिंट करवाते हैं तो वो जो वैल्यूज है हमारी, वो वैल्यूज हमारी प्रिंट होती है। देन हमारा आता है लॉग। लॉग हमारा क्या आता है, लॉगे लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। जब भी हमारी नेचुरल लॉगरिथम बेस ही हमें रिटर्न करना रहता है तब हम लॉग का यूज करते हैं। प्रिंट लॉग 12, तो हमारा जो भी लॉग 12 था हमारा प्रिंट होगा, और लॉग 0 हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा लॉग 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। देन आता है हमारा फोर्थ, हमारा आता है स्क्वायर। यदि हमें स्क्वायर रूट प्रिंट कराना है तो हम उस चीज के लिए स्क्वायर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमें 16 का स्क्वायर चाहिए तो 4 होता है, ठीक है। देन हमारा स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है। देन हमारा एक्सप्रेशन आता है, यदि हमें एक्सप्रेशन रिटर्न करना है तो एक्सप्रेशन ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। देन आपका साइन एक्स होता है जो कि हमारा क्या रिटर्न करता है, साइन एक्स की वैल्यू को, साइन 90 की वैल्यू आपकी यहाँ पे रिटर्न हो रही है। देन आपका कॉस आता है, कोसाइन वैल्यू को वो रिटर्न करता है, कॉस 90 के वैल्यू -0 रिटर्न कर रहे हैं। देन आपका आता है टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन आपको यदि चाहिए तो वो आपकी उन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। देन आपका जो लास्ट आता है वो आता है आपका सीड। सीड रैंडम नंबर सीरीज, सीड नंबर शुड बी प्राइम, ठीक है। जो आपके प्राइम नंबर्स रहते हैं वो आपके यहाँ पे, मैंने जो सीड सीरीज रहती है वो आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो ये आपके कुछ मैथमेटिकल फंक्शन थे। इसी के साथ आपका यूनिट 3 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, इंटरैक्टिव कॉन शेल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।